आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की और बात करेंगे पूर्णिया की। पूर्णिया में सड़क निर्माण कार्य में किस तरह से धांधली बढ़ती जा रही है, इसका जीता जागता नजारा पूर्णिया में देखने को मिला। बता दें कि डगरुआ प्रखंड इलाके में डगरुआ प्रखंड में घुसकी घाट से गोविंदपुर तक बनने वाली सड़क निर्माण के महज 15 दिनों के बाद ही सड़क पूरी तरीके से टूट गई। बता दें कि मामले को लेकर पथ निर्माण विभाग से 1,09,00,000 की लागत से बने 4 किलोमीटर लंबे इस सड़क के 10 दिन में ही टूट जाने से लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि संवेदक और प्रशासन की लापरवाही और मिलीभगत के कारण यह सड़क निर्माण में करोड़ों रुपए की लूट हुई है, जिसका फायदा आम लोगों को नहीं मिला है। सड़क के टूट जाने से लोग काफी आक्रोशित है। पलकतरा नहीं देने के कारण जो है गिट्टी का जो है उखड़ना शुरू हो गया और क्वालिटी तो बहुत ही खराब था। सो तो आप ये जो है घसकी घाट से यानी अलमा भाया से गोविंदपुर किलोमीटर का होगा, लगभग 4 किलोमीटर देख लेते हैं। और जो इसका कंस्ट्रक्शन जो हो गए इसके कॉन्ट्रैक्टर, उनको भी हम कल नोटिस करते हैं। नोटिस करके उसके बाद मतलब जैसे पुछवा करके आज जाँच करवा देते हैं। जांच करवाने के बाद गुणवत्ता की पता चल जाएगी। अगर एक्चुअली में एक महीने में मतलब खराब हुआ है तो उसको फिर से वो करेंगे अपना। सड़क तो मतलब मजबूत बननी ही चाहिए ना, ये